सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो डिफाइन करता है इलीगल एसोसिएशन को। वो ये बताता है कब एक एसोसिएशन क्या मान लिया जाएगा, इलीगल। इलीगल मान लिया जाएगा मतलब प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है, आप ऐसा एसोसिएशन नहीं बना सकते। और अगर आपने ऐसा एसोसिएशन बनाया तो सेक्शन 464 के अकॉर्डिंगली वो क्या मान लिया जाएगा, इलीगल मान लिया जाएगा। ठीक है, चलो। एसोसिएशन मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पर्सन। तो ये बोल रहे हैं कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या पार्टनरशिप हो, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो या क्या हो, पार्टनरशिप हो, जो किसी भी बिजनेस को करने के लिए बनाया हो, एनी बिजनेस, चाहे वो बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो नॉन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हो। आपने 12th क्लास के अंदर 11th 12th में पार्टनरशिप में लिमिट पड़ी होगी कि मैक्सिमम पार्टनर कितने हो सकते हैं, तो बोले बैंकिंग बिजनेस में 10, नॉन बैंकिंग में 20। वो लिमिट अब हट चुकी है, अब नई लिमिट आ गई है जो मैं बता रहा हूं, है ना। एंड क्या बोला है, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या पार्टनरशिप जो है, जो किसी भी तरह का बिजनेस कर रहा हो जिसका पर्पस एक्विजिशन ऑफ गेन हो, जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से बनाया हो, जिसका पर्पस एक्विजिशन ऑफ गेन हो, एक्विजिशन ऑफ गेन हो मतलब जो प्रॉफिट अर्न करने के पर्पस से बनाया है, तो उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन में मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं, 50। वापस से बोले, आप कोई एसोसिएशन बनाना चाहते हो ना, आप ग्रुप में साथ में मिलकर काम करना चाहते हो ना, आप पार्टनरशिप बनाना चाहते हो ना, किसी भी बिजनेस को करने के लिए बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना है ना, हाँ। तो बोले उस पार्टनरशिप में मैं मैक्सिमम कितने पार्टनर रख सकता हूं, बोले 50। मैं कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन बना रहा हूं तो उस एसोसिएशन में कितने मेंबर्स रख सकता हूं, बोले मैक्सिमम 50, और 50 तक मुझे रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है, बट पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स की मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 50, एंड 50 तक रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरी कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है या पार्टनरशिप है, जो किसी भी बिजनेस को, बैंकिंग बिजनेस हो, नॉन बैंकिंग हो, किसी भी तरह के बिजनेस को करने के लिए बनाया है, जिसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, जिसका पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना, और उसमें 50 से ज्यादा मेंबर रखने हैं, 50 तक रखना है ना, कोई दिक्कत नहीं है, रजिस्ट्रेशन करवाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें मुझे 50 से ज्यादा मेंबर रखना है तो रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंपलसरी। तब रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, कंपलसरी, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। अब वो रजिस्ट्रेशन आप अपने एसोसिएशन को एज अ कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हो कंपनीज एक्ट 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता ना कि रजिस्ट्रेशन कहां करवाए, तो बोला आप क्या करो, कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करवा लो, आपकी पार्टनरशिप तो रही नहीं, अब वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन को आप कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड करवा लो कंपनी एक्ट 2013 में, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। या और कोई भी लॉ, और कोई भी लॉ जिसमें आपने उस एसोसिएशन को फॉर्म किया हो, और कोई भी लॉ जिसमें आपने उस एसोसिएशन को बनाया है, आप उस लॉ के अंदर उसका क्या करवा लो, रजिस्ट्रेशन। जैसे सोसाइटीज के रूप में आपने उसे बनाया था, तो एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है, आप उसके अंदर रजिस्टर्ड करवा लो। जैसे आपने एलएलपी के रूप में उसे बनाया था, तो एलएलपी एक्ट 2008 है, आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा लो। बट रजिस्ट्रेशन करवा लो, रजिस्ट्रेशन करवाना कब मैंडेटरी है, व्हेन नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड्स 50। जब तक 50 है, अप टू 50, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नंबर ऑफ मेंबर्स आपके कितने से ज्यादा हो रहे हैं, 50 से ज्यादा हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप अपने एसोसिएशन को एज अ कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड करवा लो, या रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए मतलब आपने एसोसिएशन जिस भी फॉर्मेट के रूप में बनाया है, जैसे आपने सोसाइटी के रूप में बनाया था, तो सोसाइटीज को रजिस्टर्ड करने वाला जो भी लॉ था उसमें रजिस्ट्रेशन करा लो। आपने उसे एलएलपी के रूप में बनाया था, एलएलपी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा लो, बट रजिस्ट्रेशन करवा लो, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और अगर आपने उस एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो वो एसोसिएशन क्या कहलाता है, इलीगल एसोसिएशन। आपको मेरी बात समझ में आई,
रिकैप करते हैं, क्या बोला है? कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, पार्टनरशिप है, जो किसी भी तरह के बिजनेस को चला रहा है, जिसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, एक्विजिशन ऑफ गेन, मतलब क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए अगर आप कोई भी एसोसिएशन बनाना चाहते हो, आप उसमें मैक्सिमम कितने पर्सन रख सकते हो? 50, और आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और आपका एसोसिएशन इलीगल भी नहीं कहलाएगा अगर आपके 50 तक है तो। बट जैसे ही आप 50 को क्रॉस करते हो, आपको क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आप उसे एज अ कंपनी, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड करवा लो, या जिस भी एक्ट के अंदर आपने वो एसोसिएशन बनाया है उस एक्ट के अकॉर्डिंगली आप करा लो, जिसे सोसाइटी है, जिसे LLP है, उन एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन होता है, आप वहां करा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, है ना। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो आपका एसोसिएशन क्या कहलाएगा? इल्लीगल। यहां तक की कहानी समझ में आई? अब क्या बोला है? बोले कुछ एक्सेप्शंस भी है क्या? बोले कुछ ऐसे एसोसिएशन भी है क्या जिसमें 50 से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं बट रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं? बोले हाँ, है ना। सबसे पहले बोला है HUF। HUF क्या होता है? बिल्कुल सही बोला आपने, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब एक ही हिंदू फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं, जब एक ही हिंदू फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर किसी बिजनेस को चलाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? HUF। जैसे शर्मा जी हैं, शर्मा जी क्या है? हिंदू है। शर्मा जी की फैमिली में 55 मेंबर हैं, शर्मा जी की फैमिली में 55 मेंबर हैं, वो सभी मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं, वो सभी मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं, उनका पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना है, वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, बट फिर भी उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, ये एक्सेप्शन में आ जाता है, क्योंकि HUF के ऊपर क्या लगता है? हिंदू लॉ एप्लीकेबल होता है। HUF के ऊपर कंपनीज एक्ट या पार्टनरशिप एप्लीकेबल नहीं होता है, HUF के ऊपर क्या लगता है? हिंदू लॉ लगता है, एंड एज पर हिंदू लॉ उस हिंदू फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सब मिलकर चला सकते हैं, परदादा जी हैं, दादाजी हैं, पिताजी हैं, हम हैं, हमारे बच्चे हैं। अब अगर हैं एक ही फैमिली में और सब मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं, देन दे कैन रन दैट बिजनेस सक्सेसफुली, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, इवन इफ नंबर ऑफ मेंबर्स एक्सीड 50। ठीक है, एंड एंड क्या बोला है? सेकंड बोला है कि कोई भी अगर प्रोफेशनल्स हैं जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रहे हैं, कोई प्रोफेशनल है जो किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न हो रहे हैं और उस स्पेशल एक्ट में, सेकंड एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं, बोले प्रोफेशनल है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर्स हैं, ये सब क्या है? प्रोफेशनल है। इनके लिए क्या स्पेशल एक्ट बना अलग से? बोले हाँ, जैसे एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमारे ऊपर कौन सा एक्ट लगता है? CS Act 1980। तो ये बोल रहे हैं कि जो प्रोफेशनल है उन्हें जो स्पेशल एक्ट गवर्न करता है, जिसमें वो फॉर्म किए गए, जिसमें वो बनाए गए हैं, वहां अगर परमिट है कि 50 से ज्यादा रख लें तो आप रख सकते हो, तब आपको कंपनीज एक्ट में या किसी दूसरी जगह रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं। सेकंड एक्सेप्शन, अगर आप प्रोफेशनल हैं, आप किसी स्पेशल एक्ट से गवर्न होते हैं, दैट स्पेशल एक्ट परमिट्स यू टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइजेशन हैविंग मोर देन 50 मेंबर्स, कोई दिक्कत नहीं, आप बना सकते हैं। समझ में आया सेकंड भी? तीसरा है एक ऐसा एसोसिएशन जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, क्योंकि कंडीशन में क्या लिखा है कि एक एसोसिएशन जिसका पर्पस क्या हो? प्रॉफिट अर्न करना। एक एसोसिएशन लिखा ना कंडीशन में कि एक एसोसिएशन जो बिजनेस चला रहा हो जिसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट अर्न करना, तो रजिस्ट्रेशन क्या है जरूरी अगर 50 से ज्यादा है तो। तो मेरा तीसरा पॉइंट ये है कि एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड नॉट फॉर्म फॉर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट, एसोसिएशन इज नॉट कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग एनी प्रॉफिट, तो रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? तो बोले यार 464 की कंडीशन में तो बोला था ना कि एक्विजिशन ऑफ गेन, गेन मीन्स वॉट? प्रॉफिट, कि भाई आप बिजनेस प्रॉफिट अर्न करने के लिए बना चला रहे हो तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। इट मीन्स कि अगर हमारा एसोसिएशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं बनाया है, एनजीओ है हमारा, कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, एंड दैट एसोसिएशन इज हैविंग मोर देन 50 मेंबर्स, देन टू रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी, ये तीसरा एक्सेप्शन हुआ। पहला सिंगल HUF, सिंगल क्यों लिखा मैंने यहां? कि अगर एक से ज्यादा HUF मिलकर बिजनेस करते हैं, जैसे हमने बोला शर्मा जी हैं, शर्मा जी की फैमिली में 55 मेंबर्स हैं, शर्मा जी की फैमिली में 55 मेंबर्स हैं, क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? बोले नहीं, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, सिंगल HUF है। बट मान लो वर्मा जी हैं, वर्मा जी का HUF है,
वर्मा जी के एचयूएफ में 30 मेंबर्स हैं, प्लस गुप्ता जी हैं, गुप्ता जी के एचयूएफ में भी कितने मेंबर्स हैं? 30 मेंबर्स हैं। तो क्या वर्मा जी के एचयूएफ को रजिस्ट्रेशन करवाना है? नहीं, एचयूएफ है, सिंगल है, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने भी हो, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। गुप्ता जी को कराना है? नहीं। लेकिन अगर वर्मा जी और गुप्ता जी मिलकर काम करते हैं देन इट विल बिकम पार्टनरशिप। वर्मा जी और गुप्ता जी का एचयूएफ मिलकर काम करता है देन इट विल बिकम पार्टनरशिप। और अगर ये क्या बन गई बेटा? पार्टनरशिप बन गई, तो फिर ये लग जाएगा यार। अब समझे मेरी बात? इसलिए मैंने यहां कौन सा वर्ड यूज किया है? सिंगल। एक एचयूएफ है ना, नंबर ऑफ मेंबर्स से कोई मतलब नहीं है, कितने ही मेंबर्स क्यों ना हो, रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। बट इफ टू और मोर एचयूएफ डूइंग एनी बिजनेस जॉइंटली, दो या ज्यादा एचयूएफ साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो अगर काम कर रहे हैं तो उनके मेंबर्स को हम काउंट कर लेंगे। जैसे वर्मा जी और गुप्ता जी का एचयूएफ साथ में मिलकर बिजनेस कर रहा है ना, वर्मा जी की फैमिली में 30 है ना, गुप्ता जी की फैमिली में 30 है ना, दोनों को कंबाइन करा कितने हो गए? 60। 60 मतलब कितने से ज्यादा? 50 से ज्यादा। तो फिर इनका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दो एचयूएफ साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, इट इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप, एक्ट लग जाएगा। सिंगल एचयूएफ कितने मेंबर्स हैं कोई मतलब नहीं, बट दो एचयूएफ हैं साथ में मिलकर काम कर रहे हैं तो आपको नंबर ऑफ मेंबर्स दोनों के क्लब करेंगे। यहां ये ध्यान रखना है कि जब दोनों के नंबर ऑफ मेंबर्स को हम क्लब करेंगे तो केवल मेजर को लेना है, माइनर को काउंट नहीं करना है। ठीक है, इन 30 में से मेजर कितने हैं, इस 30 में से मेजर कितने हैं, केवल उनको देखेंगे। मान लो यहां 30 में से 22 मेजर हैं, यहां 30 में से 20 मेजर हैं, तो 22 और 20 मिलाकर कितने हुए? 42 एडल्ट मेजर मेंबर्स की नंबर कितने हुए? 42। इट मींस 50 से क्या है? कम। रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि इफ नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ बोथ द एचयूएफ डजंट एक्सीड 50, तो रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मेंबर्स वी हैव टू एक्सक्लूड माइनर्स, हमें केवल किसको लेना है? मेजर्स को, माइनर को नहीं लेना है। कि समझ में आया? बट माइनर भी एक दिन क्या बन जाएगा? मेजर। सास भी कभी बहु थी, माइनर भी एक दिन क्या बन जाएगा? मेजर बन जाएगा। जैसे ही माइनर क्या बनेगा? मेजर, हम उसे नंबर ऑफ मेंबर्स में ले लेंगे। और अगर फिर नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़कर कितने से हो जाते हैं? 50, तो आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करा लो? रजिस्ट्रेशन। आपने अगर क्या करवा लिया? रजिस्ट्रेशन, तो एसोसिएशन इलीगल नहीं बनेगा। बट अगर नंबर ऑफ मेंबर्स 50 से बढ़ गए, माइनर मेजर हो गया, नंबर ऑफ मेंबर 50 से बढ़ गए, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, आपका एसोसिएशन कैसा हो जाएगा? इलीगल। अब अगर एसोसिएशन इलीगल हो गया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अगर एसोसिएशन इलीगल हो गया है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो पहला, तो उस एसोसिएशन के जो मेंबर है ना, उस एसोसिएशन के कौन है जो मेंबर है ना, उन्हें मैक्सिमम 1,00,000 रुपए तक का फाइन लगेगा। एवरी मेंबर ऑफ इलीगल एसोसिएशन शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच मे एक्सटेंड टू 1,00,000 रुपीज, एंड इसके साथ उनकी पर्सनल लाइबिलिटी होगी, इंडिविजुअल लाइबिलिटी होगी। पर्सनल लाइबिलिटी मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी मतलब जो एसोसिएशन के डेब्ट्स हैं, एसोसिएशन के जो क्रेडिटर्स हैं, जिनका आपको पेमेंट करना है, तो उसका पेमेंट करने के लिए आप पर्सनली लाइबल माने जाएंगे। इसका मतलब अगर एसोसिएशन अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करती है, अगर एसोसिएशन अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं करती है, तो जो एसोसिएशन के मेंबर्स हैं उन्हें पर्सनली पे करना पड़ेगा। वो नहीं कर पाते हैं, उनकी असेट्स बिकवा दी जाएगी पेमेंट के पर्पस से।